जय जिनेंद्र दोस्तों, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में हम जन्म मरण का थोकड़ा। चार गति के जीव अंतर मुहूर्त में कितनी बार जन्म मरण कर लेते हैं, जघन्य और उत्कृष्ट कितनी बार जन्म मरण कर सकते हैं, यह जन्म मरण का थोकड़ा इसमें हम जानेंगे। चार गति के जीव यानी कि छह काया के जीव। छह काय में पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। इन छह काय के जीव अंतर मुहूर्त के अंदर उत्कृष्ट कितनी बार जन्म मरण कर सकते हैं, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय। इन चार काय के जीव जघन्य एक बार और उत्कृष्ट 12,824 बार जन्म मरण कर सकते हैं। फिर है प्रत्येक वनस्पति काय। वनस्पति के दो भेद हैं, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में जिसमें एक बीज या एक से अधिक बीज जिनकी गिनती हो सके वह आते हैं, जैसे भिंडी, करेला, आम, तरबूज आदि। और साधारण वनस्पति काय में गाजर, मूली, कंद मूल आदि जमीकंद आते हैं, जिनका मूल भाग पृथ्वी के अंदर रहता है, उसमें अनंत काय होती है, तो उसको साधारण वनस्पति काय कहा गया है। तो प्रत्येक वनस्पति काय के जीव 16,000 बार और साधारण वनस्पति काय के जीव 32,000 बार उत्कृष्ट एक अंतर मुहूर्त में जन्म मरण कर सकते हैं। फिर है सूक्ष्म निगोद के जीव जघन्य एक बार, उत्कृष्ट 65,536 बार, यानी 65,536 बार जन्म मरण कर लेते हैं एक अंतर मुहूर्त के अंदर। इसके बाद बे इंद्रिय, इन सबका जघन्य एक बार ही होगा, उत्कृष्ट अलग अलग है। बे इंद्रिय का 80 बार, ते इंद्रिय का 60 बार, चौर इंद्रिय का 40 बार, असन्नी पंचेंद्रिय का 12 बार जन्म मरण हो सकता है एक अंतर मुहूर्त के अंदर। इसके बाद है नरक देवता युगलिया 63 श्लाका पुरुष। इनका जन्म तो हो जाता है किंतु मृत्यु आयुष्य पूर्ण होने पर ही होती है। इनका आयुष्य लंबा होता है और बीच में इनकी मृत्यु होती नहीं है, चाहे कोई सी भी दुर्घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये अपना आयुष्य पूर्ण किए बगैर मृत्यु को प्राप्त होते नहीं, ऐसी नियमा है। 15 कर्म भूमि के मनुष्य तथा 5 प्रकार के तिर्यंच पंचेंद्रिय जघन्य व उत्कृष्ट एक बार जन्म मरण कर सकते हैं। 15 कर्म भूमि में 5 भरत, 5 एरावत, 5 महाविदय के मनुष्य और 5 प्रकार के तिर्यंच पंचेंद्रिय, यह 20 प्रकार के पंचेंद्रिय जीव जघन्य और उत्कृष्ट एक बार जन्म और मरण को प्राप्त करते हैं। लेकिन इनमें अंतर यही है कि इनमें बीच में एक्सीडेंट आदि से मृत्यु, आयुष्य पूर्ण किए बगैर इनकी मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी। इस प्रकार से यह जन्म मरण का थोकड़ा है। आपको यह कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और भी छोटे छोटे थोकड़ों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।